नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस मोटो अप में। तो गाइज आज है आपके सामने भाई एक बार फिर आपकी पसंदीदा मारुति अर्टिगा VXi CNG 2023 मॉडल जो आप देख रहे हैं भाई, स्पार्कलिंग सिल्वर कलर के साथ आ चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हो भाई, बिल्कुल लेटेस्ट कलर है। ऐसा सिल्वर कलर आपको भाई केवल और केवल इस गाड़ी और इनफैक्ट बलेनो में देखने को मिलेगा। बाकी भाई ये वाला सिल्वर कलर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और आज इस गाड़ी की पर्टिकुलर वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। ये है मारुति अर्टिगा VXi CNG 7 सीटर 2023 मॉडल। 2023 के प्राइस के साथ आपको इसका पूरा प्राइस हम लोग बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना भाई। गाड़ी का ओवरऑल लुक आप देख सकते हो कितनी शानदार लग रही है। सच में अर्टिगा जैसी CNG 7 सीटर आज की डेट में कोई नहीं बना पाया है। और भाई मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ अगर बताऊं तो अब मारुति विटारा ग्रैंड मारुति की जो ग्रैंड विटारा आ रखी थी भाई, उसमें भी अब आपको CNG का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है भाई जो ग्रैंड विटारा लेने वाले थे। और इस वीडियो में चलो भाई बिना किसी देरी के सबसे पहले की दिखा देते हैं। तो इसमें दो बेसिकली वेरियंट्स आ जाते हैं। ये VXi वेरियंट है जो कि आपको कम प्राइस में देखने को मिल जाता है, जिसमें भाई स्टैंडर्ड फीचर्स मोस्टली सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग ये गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है, बिकॉज 10,50,000 रुपये में एक शोरूम अभी चल रही है। करीब 12,30,000 या 35,000 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस है करंटली कानपुर यूपी के अगर शोरूम्स की बात करूँ तो। बाकी भाई वेटिंग तो गाड़ी की इस साल भी काफ़ी ज़्यादा लंबी रहने वाली है। अगर आप बुकिंग कर लेते हैं तो शायद आपको एज़ पर द डीलर स्टॉक यार्ड शायद अगर अवेलेबल हो तो जल्दी आपको ये गाड़ी ज़रूर देखने को मिल जाए। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। अगर वेरिएंट्स की और बात करें तो एक ZXi CNG वेरिएंट भी आ चुका है, उसका भी वीडियो हम लोग ज़रूर लेके आएंगे 2023 मॉडल के अंदर। बाकी भाई गाड़ी के ओवरऑल आप देख सकते हो यहाँ पे जो लेंथ है करीब 4400 mm की है, 4395 mm की लेंथ। और भाई जो डायमेंशंस हैं बाकी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। गाड़ी के ओवरऑल अगर व्हील बेस की बात करें तो भाई 2740 mm का व्हील बेस है। 15 इंच के पहियों के साथ आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाती है अभी भी। हालांकि जो इसका XL6 है जिसकी बड़ी बहन मान सकते हैं, उसमें आपको भाई अब तो 16 इंच के अलॉयज भी आने लग गए हैं। बाकी इस गाड़ी के अंदर आज भी R15 साइज का ही पहिया आता है। फ्रंट में आपको डिस्क और पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स इनफैक्ट देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज अगर आपको चलो पीछे से भी दिखा दें तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है अपनी अर्टिगा VXi CNG। ओपन करते हैं इसका CNG बूट स्पेस, तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रे कलर की कवरिंग के साथ काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन CNG का। एवरेज और माइलेज की बात करूँ तो करीब 26 का माइलेज आज भी गाड़ी प्रोवाइड करती है आपको इन द CNG मोड। और यहाँ पे भाई काफ़ी बढ़िया लग रहा है इसका इंटीरियर, अभी अंदर भी हम लोग ज़रूर चलेंगे। और इसको बैक की डिज़ाइन अगर बताएं तो जो 2022 में इंट्रोडक्शन हुआ था वो इस वाली टेल लाइट में टेल गेट में इसमें इंट्रोडक्श किया गया था, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। चलो भाई हम लोगों ने की फीचर बता दिए, प्राइस भी बता दिए, अब बेसिकली गाड़ी के एक्सटीरियर देखते हैं। तो फ्रंट में मिलते हैं आपको बढ़िया से येल्लो हेलोजन हेडलैम्प्स। इंडिकेटर अगर चेक करें तो चलो भाई की से पहले देख लेते हैं, तो इस जगह आपको इंटीरियर का प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा इंडिकेटर्स का। येलो कलर के आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स अलॉन्ग विद पार्क लाइट। ग्रिल का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे फॉग लैम्प्स कुछ हाउसिंग दी गई है, आप चाहे तो शोरूम में भी लगवा सकते हो। यहाँ पे आपको भाई दिया जाता है टोइंग हुक अर्टिगा का, मैं आपको बता दूँ। और भाई यहाँ पे जो बोनेट के पैनल गैप्स हैं बहुत ही ज़्यादा मिनिमलिस्टिक हैं, थोड़े से और कम हो सकते हैं, लेकिन कंपनी इंट्रोड्यूस अपडेट तो भाई करती रहती है जैसा आप सभी को पता है। और यहाँ पे अगर साइड की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया चीज़ है, VXi वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग और आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दोनों अभी हम देखने को मिल जाते हैं। तो ये अर्टिगा में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फीचर है अगर मैं VXi वेरिएंट की बात करता हूँ। बाकी ये चीज़ यहीं पे प्लेस्ड है जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ की अगर बात करें तो भाई ये इसकी आप साइड प्रोफाइल देख रहे हो, बहुत ही बढ़िया 7 लोग के बैठने के लिए आराम से जगह मिल जाती है अर्टिगा के अंदर। बॉडी कलर डोर हैंडल्स आ जाते हैं, बी पिलर आपका ब्लैक कलर्ड है। ऊपर की बात करें तो एक रेडियो एंटीना मिल जाता है। और यहाँ पे पीछे साइड जो क्वार्टर ग्लास है काफ़ी सही लग रहा है, नो डाउट। और यहाँ पे अगर आपको प्लेसमेंट दिखा दें तो चलो भाई इसको भी ओपन करके देख लेते हैं।
एक सेकेंड। तो इसको ओपन करने के लिए दोस्त यहाँ पे आपको ओपनिंग के लिए दे रखा है। चलो इसको भी ओपन करते हैं सबसे पहले। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका सीएनजी का फिटमेंट बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे पेट्रोल है 12/22 यानी दिसंबर 2022 की मैन्युफैक्चरिंग 60 लीटर की कैपेसिटी के साथ आ जाता है। इसको भी करते हैं बंद। तो दोस्तों ये हो गई बातें इसकी साइड प्रोफाइल की। अब पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको टेल लाइट्स बहुत ही अच्छी डिजाइन की देखने को मिलती है अर्टिगा के अंदर। हालांकि एक्सेल 6 में तो आपको ये चीज एड ऑन भी इनफैक्ट आ जाता है, इस वेरिएंट में नहीं दिया गया है। पीछे की बात करें तो 4 पॉइंट पार्किंग सेंसर डुअल रिफ्लेक्टर्स के साथ, और ओवरऑल यहाँ पे मस्त सी मिल जाती है अर्टिगा की बैजिंग, और यहाँ पे सीएनजी का लोगो, स्टॉप माउंट लैंप, डिफॉगर वाला ग्लास तो नहीं आता, वो आपको ZX5 वेरिएंट में आएगा। अब चलते हैं भाई इंटीरियर की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर नजर पड़ती है तो ये आप देख सकते हो एयरबैग, और एक एयरबैग आपको उस साइड देखने को मिलता है। गाड़ी में आपको डोर के डिजाइन की बात करें बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, सिल्वर कलर की गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। की को चल दिए करते हैं इंसर्ट। तो यहाँ पे आप इसको करते हैं बंद। ये अपनी जैकेट भाई किनारे करो इसको पहले तो, और अब बात करते हैं अर्टिगा के इंटीरियर की। तो यहाँ पे फैन ऑफ कर लो पहले तो। हाँ, डोर्स पे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे भाई वन टच डाउन और इनफैक्ट वन टच अप, दोनों चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, प्रीमियम है भाई। और यहाँ पे फोल्डिंग ORVM, डोर्स पे आपको डुअल टोन फिनिश, बेज का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे 4 स्पीकर आ जाते हैं, 1, 2 और पीछे वाले डोर्स पे 2, तो 4 स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम आ जाता है। स्पेस वगैरह की बात करें डोर पे तो काफी बढ़िया स्पेस, नो डाउट। क्रोम डोर का फिनिश यहाँ पे भी है, और ओवरऑल भाई काफी डिसेंट सा इंटीरियर है अपनी अर्टिगा का। स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट भी चेक करते हैं तो ये भी काफी बढ़िया तरीके से एडजस्ट हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई सीएनजी और पेट्रोल के अलग अलग मीटर्स, जैसा कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे आप सारी चीजें एडजस्ट कर सकते हो, पावर, टॉर्क एंड ऑल अदर थिंग्स। यहाँ पे आपको मिलता है सीएनजी और पेट्रोल का स्विच, ट्रैक्शन का कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल भी इस गाड़ी में आ गया है भाई, जो कि भाई अपने वाले में तो नहीं, जो मेरे पास है उस गाड़ी में ये चीज नहीं है मैं आपको बताऊं। तो ओवरऑल स्टेयरिंग पे भी फिनिश अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया लग रही है, नो डाउट। क्रोम की लाइनिंग आप हल्की हल्की देख सकते हो, डे लाइट में इस गाड़ी की रौनक ही अलग है सच में। और ORVM की बात करें तो अच्छा खासा एडजस्टेबल है, पीछे की विजिबिलिटी आप देख सकते हो अच्छे से, और यहाँ पे वैनिटी मिरर और यहाँ पे टिकट होल्डर दोनों चीजें हैं। एक रूफ लाइट येलो यहाँ पे आपको मिलेगी, और एक रूफ लाइट इनफैक्ट पीछे भी आपको इनफैक्ट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बढ़िया सा मिलता है पावर आउटपुट सॉकेट, एक सॉकेट यहाँ पे है, एक सॉकेट यहाँ पे है। थर्ड रो में आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं आता है, केवल ZXi में आता है वो। और स्टोरेज स्पेस बताएं तो यहाँ पे आपको मिलता है बढ़िया सा ग्लोव बॉक्स, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी चीज काफी बढ़िया है, ये भाई निकल आया है, इसका अंदर रहता है, चलो कोई बात नहीं। और बाकी म्यूजिक सिस्टम आपने देख ही रखा है, इसका वही वाला आ रखा है जो आपको प्रीवियसली देखने को मिलता है। टच स्क्रीन का इंट्रोडक्शन भी है, वो अपने ZXi वेरिएंट में आता है। और यहाँ पे बहुत ही प्रीमियम चीज वो है इसके डुअल कप होल्डर, वो भी एयर कूल्ड आ जाते हैं। यहाँ पे USB ऑक्स कपोर्ट, और यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस। आर्म रेस्ट भाई इस वाले में नहीं है, वो आपको ZXi में आता है, मैं आपको बता दूं। और अब चलते हैं गाड़ी की रियर सीट्स को भी देख लेते हैं। तो गाइज रियर सीट, रियर डोर में भी आपको वही सारा फिनिश, बढ़िया सा क्रोम डोर हैंडल्स के साथ सारी बातें। और यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर, बहुत अच्छी खासी स्पेस। ये वाला डोर को अगर आप ध्यान से देखोगे भाई कितना बड़ा है, यहाँ पे ग्लास एरिया भाई बहुत ही ज्यादा बड़ा आपको देखने को मिल जाता है, सच अ वास्ट। बाकी इंटीरियर कैबिन काफी बढ़िया है, यहाँ पे अगर देखें तो बढ़िया सी हवा भी आ रखी है सच में, और AC भी अच्छा वर्क करता है इस गाड़ी का। ओवरऑल इंटीरियर आप देख सकते हो नाइस। तो ओवरऑल यहाँ पे बैठने में भी काफी मजा सी आ रखी है, नो डाउट। रियर सीट्स में भी चल के देखते हैं, तो उसके लिए आपको ये फोल्ड अप करना पड़ेगा। आप चाहे तो उस डोर से भी जा सकते हो और इस डोर से भी जा सकते हो रियर सीट्स को एक्सेस करने के लिए। लेग रूम, हेड रूम फर्स्ट इन क्लास, नो डाउट। बैठने में काफी मजा है, AC वाली जो वेंट है डायरेक्ट फेस पे आ रखी है सच में।
चलो। और एक चीज भाई बहुत बढ़िया से आपको बतानी थी, तो यहाँ पे मिलता है आर्मरेस्ट, ये आपको काफी ज्यादा आराम देगा भाई लॉन्ग ट्रिप पे, आप आराम से इंजॉय करते हुए सच में जा सकते हो। ओवरऑल अब चलते हैं इसकी रियर सीट्स को भी चेक करते हैं उस वाले डोर से। तो भाई यहाँ पे जाने के लिए आपको ये वाला जो है जो सिस्टम दिया है इसको आपको स्विच हुकअप करना है। और अब चलते हैं पीछे वाली सीट्स की तरफ। आहा, तो एक चीज और आपको बतानी है कि आप इस वाले नॉब को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो ये वाली सीट्स भी आपकी एडजस्ट हो जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखिए हो गई एडजस्ट और अब आराम से बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे भाई दो जन तो आराम से बैठ सकते हो, बच्चे होंगे तो तीन लोग आराम से बैठ जाएंगे, बाकी दोस्त इंटीरियर यहाँ से भी आपको आराम से देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हो पूरी कमांडिंग पोजीशन है, आप यहाँ पे बैठ के सामने क्या आ रहा है, सामने पूरे नज़ारे आप आराम से ले सकते हो सच में। चलो भाई यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस, दो साइड आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ पे भी हैंडल्स दे रखे हैं, यहाँ पे तो आपको फोल्ड वाले दे रखे हैं सॉफ्ट फोल्डिंग के साथ, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं आते। चलो लेग रूम हेड रूम यहाँ पे भी अगर चेक करें तो लेग रूम काफ़ी अच्छा है, इसको आप और चाहें तो आगे पीछे भी कर सकते हो इस सीट को। और बाकी हेड रूम देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट क्लास। तो सिटिंग स्पेस के मामले में अर्टिगा बेस्ट है अभी भी बाकी सभी को देखते हुए, हालांकि कैरेंस में तो सीएनजी ऑप्शन आता नहीं, तो उसकी तो बात छोड़ दीजिए, वो पेट्रोल डीजल में आती है। सीएनजी वाली में अगर आपको एक बढ़िया सेवन सीटर चाहिए तो ये है आपके लिए अर्टिगा 2023 VXI सीएनजी मॉडल। वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल PS मोटो हब, ऐसे ही हम लोग अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। और अभी गाड़ी का प्राइस भाई थोड़ा बढ़ने वाला है मैं आपको बता दूं, तो अभी अगर आपकी डिलीवरी हो इस वीक में तो आप आराम से ले सकते हो इस गाड़ी को, सही बात है। चलो भाई वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।